हेलो व्यूअर्स, आज का विषय सकता था जैसे शब्दों का इंग्लिश अनुवाद सीखना। सकता था क्या बताता? इट शोज पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, एबिलिटी इन द पास्ट और रिग्रेट इन द पास्ट। यह भूतकाल में या तो संभावना बताता है या सामर्थ्य बताता है या अफसोस जताता है। जैसे मैं यहाँ आ सकता था, आई कुड हैव कम हियर, यह पॉसिबिलिटी यानी संभावना बताता है। वह यह काम कर सकता था, ही कुड हैव डन दिस वर्क, एबिलिटी यानी क्षमता बता रहा है, उसमें काम करने की क्षमता थी लेकिन किया नहीं। हम लोग गांव जा सकते थे, वी कुड हैव गॉन टू विलेज, यह अफसोस बता रहा है, अफसोस है कि हम लोग गांव नहीं जा सके। वे लोग मेरी मदद कर सकते थे, दे कुड हैव हेल्प मी। इस प्रकार हमने सकता था जैसे शब्दों का अनुवाद सीखा और यह भी सीखा सकता था कौन कौन से शब्द बताते हैं। लेट्स गो टू पार्ट टू। इस पार्ट टू में मिसलेनियस सेंटेंसेस हैं, तरह तरह के वाक्य हैं जो काफ़ी रोचक हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, जिन्हें बार बार सुनने से काफ़ी जानकारी होगी। सर्वप्रथम किसी का सवाल है, डू यू थिंक वी हैव लॉस्ट आवर कल्चर एंड आर्ट नाउ, क्या आप सोचते हो कि हमने अपनी संस्कृति और कला को गंवा दिया है? नो आंसर, नो नो नो, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। वी हैवंट लॉस्ट इट, हमने इसे गंवाया नहीं है। नॉर हैज़ इट बिकम एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मीन्स विलुप्त, नहीं हमने इसे गंवाया है, नहीं एक्सटिंक्ट हुआ है यानी विलुप्त हुआ है। इट हैज़ गोन इन टू लॉन्ग हाइबरनेशन, या हाइबरनेशन मीन्स निष्क्रिय होकर कहीं पड़ा है। हाइबरनेशन मीन्स वी जस्ट नीड टू रिट्रीव इट फ्रॉम इट्स स्लीपिंग स्टेट, हमें इसे सोए हुए अवस्था से रिट्रीट यानी वापस लाना है। हमारी संस्कृति विलुप्त नहीं हुई है, ना ही हम इसे खो चुके हैं, यह हाइबरनेशन में चला गया है यानी निष्क्रिय हालत में है, हमें इसे रिट्रीव करना है, इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे। नेक्स्ट, द मोर ही अर्न्स द मोर ही स्पेंड्स, जितना वह कमाता है उतना ही खर्च करता है। यहाँ जितना उतना की अंग्रेजी, द मोर हमने सीखी, द मोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल तभी होता है जब वाक्य में प्रिंसिपल वर्ब हो। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव इन, वह क्या करता है, व्हाट डज ही डू, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी हमने सीखा। नेक्स्ट, सबों में वही एक लड़का है जो सबसे अच्छा है, फिर भी उसकी निंदा होती है। आउट ऑफ ऑल ही इज द ओनली वन हु इज द बेस्ट, येट ही इज डेस्परेट, फिर भी उसकी डेस्परेज मीन्स निंदा होती है, येट ही इज डेस्परेट। इस प्रकार हमने अनुवाद सीखा। ही इज इन अ हरी, हरी के साथ अ आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, वह जल्दीबाजी में, ही इज इन अ हरी, अगर अ आर्टिकल का इस्तेमाल ना करें तो वाक्य गलत हो जाएगा। उसी प्रकार चलिए अनुवाद सीखने, जब भी पैसे की जरूरत हो घबराना मत, बेहिचक मेरे पास आ जाना। वेन एवर यू नीड मनी डोंट हेजिटेट, फ्रीक्वेंटली कम टू मी, आई शैल हेल्प यू। दोस्तों, इस प्रकार से हमने सकता था जैसे शब्दों का अनुवाद सीखा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।